ओके सो हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में मैं जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इस फोटो को अगर आप एकदम रियलिस्टिक टाइप से अगर आप एडिट करना चाहते हो तो गाइस आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, आप लोगों को शेडो के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड अगर सब कुछ मैं आप सबको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको शेडो एकदम कैसे क्रिएट करनी है एंड स्टेप बाय स्टेप आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा, तो गाइस आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आप सभी को पता ही होगा आज दिन की दूसरी वीडियो है, तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस नीचे जल्दी से प्यारा सा एक कमेंट भी कर दो, क्योंकि यार आपके कमेंट पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट कर दो। एंड गाइस अगर आप भी ऐसे फोटो एडिट करते हो तो गाइस इंस्टाग्राम में मेरे को टैग करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यूजर नेम दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो आप जाके मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले अपने मॉडल का बैकग्राउंड रेस करेंगे। एंड गाइस इसको रेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को इसमें करना है गाइस आप सभी को सिंपली यहाँ पे लेयर में जाकर आपको अपनी लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको रिजर टूल में जाना है एंड ऐसे गाइस आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, हार्डनेस को 90 तक रख देना है एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के एंड यहाँ से फोटो को जूम करना है, फटाफट से रेस कर लेना है। एंड गाइस जैसे ही आप रिलीज कर लो उसके बाद आप सबको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से आप सभी को अभी जिस मॉडल का अपना बैकग्राउंड रिलीज किया आपको सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कैसे करना, मतलब कि किस टाइप से ऐसे यहाँ पे लगाना वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। गाइस आप सभी का जो मॉडल होगा गाइस आप सभी को ये चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका मॉडल होगा उसका जो हेड होगा वो गाड़ी जो आपके पीछे जो कार खड़ी है उसके आधा हिस्से में आना चाहिए, जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड गाइस या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो कि या मतलब कि जो आपको दूसरा मॉडल दिख रहा है वीडियो वो फोटो में आपको सही गाइस उसी के हिसाब से अपने मॉडल को यहाँ पे रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक ब्लैक कलर का पीएनजी लेना है गाइस, ठीक है। इसका हम शेडो बनाएंगे एंड इसको डुप्लीकेट करके एक साइड रख लेते हैं। एंड गाइस कुछ स्टेप्स हम इसको बड़ा करके एंड उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देते हैं एंड साइज आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइस फोटो को यहाँ पे जूम करना है, फोटो को जूम करके गाइस आप सभी को शेडो जहाँ जहाँ पे चाहिए गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। एंड गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे हम शेडो को क्रिएट करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप सभी को कुछ स्टेप्स ऐसे कर लेना है एंड बाकी अगर गाइस कुछ एरिया में अगर एक दो बार ज़्यादा पेंट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद आपको इसको मूव डाउन कर देना है एंड जो इसकी ओपोसिटी हुई जिसको आपको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। आपको जितना शेडो चाहिए हो आप उतना ओपोसिटी कम करना, ठीक है। बाकी उसके बाद आप सभी को जो दूसरा हमने लिया था जिसको डुप्लीकेट किया था हम उसको लेंगे एंड आप रिजल्ट रूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे, इसके साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे एंड उसके बाद गाइस हम फोटो को जूम करेंगे। एंड गाइस उसके बाद आप सभी कुछ स्टेप्स ऐसे सॉरी गाइस जिसको हम थोड़ा सा और साइज बड़ा करते हैं, ठीक है। तो सो फुल कर लेते हैं एंड गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे आपको पेंट करना है, ठीक है, कुछ स्टेप से एंड कुछ स्टेप से इधर कर लेते हैं। एंड गाइस आपको दोनों साइड जो मिल के आपको दोनों पैर जो साइड में दोनों तरफ कर देना आपको सभी को। एंड गाइस ध्यान देना कि आपके जो पीछे जो कार के बड़े वाले शीशे हैं उनके ऊपर ना जाए, ठीक है। उसके बाद आपको उसको भी मूव डाउन कर देना है एंड जो उसकी ओपोसिटी हुई इसको भी थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। सो देखिए एकदम रियलिस्टिक टाइप की हमने यहाँ पर शेडो क्रिएट कर दी है। अब क्या करेंगे गाइस इसको अब यहाँ पे आप कर देंगे डन। डन करने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको गाइस इस फोटो को यहाँ से लेके चलना है उसमें टूल्स में एंड इसको यहाँ से ले जाना एडजस्ट में एंड इसका सैचुरेशन जो होगा गाइस आपको उसको कर देना -10, सैचुरेशन को कर देना -10 एंड इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना डन। फिर इसके बाद गाइस आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, दोबारा से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको एक और मैं पीएनजी दे दूंगा विगनेट का, आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है।
एंड गाइस इसका फुल साइज करके आपको कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड ऐसे गाइस आपको अपनी फोटो को सेव करके इसको लेके चलना है ऐसे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच को तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो उसका मैं लाइटरूम ऐप ओपन कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ से चले जाना है, लाइट वाला ऑप्शन में आपको साइड में दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट, आपको उसका थोड़ा सा हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस शेडो होगा इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे व्हाइट, आपको उससे थोड़ा व्हाइट माइनस कर देना है, ब्लैक को थोड़ा सा इसको भी कम कर देना है। फिर इसके बाद गाइस आपको चले जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, इसकी वाइब्रेशन जो इसको बढ़ा देना है। एंड गाइस थोड़ा सा टेम्परेचर इसको माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। फिर उसके बाद इसका थोड़ा ल्यूमिनस बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसका ल्यूमिनस बढ़ा लेते हैं हम। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है येलो कलर में। एंड येलो कलर में जाने के बाद आपको इसका ह्यू जो है आपको उसको माइनस की तरफ कर देना है। एंड उसके बाद इसका सैचुरेशन थोड़ा प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे डार्क ब्लू में, आपको उसका ह्यू थोड़ा चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। फिर उसके बाद आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसका जो पर्पल कलर होगा उसको एकदम माइनस कर देना है, ठीक है, सैचुरेशन को, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। फिर उसका डन कर देना है। हम जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो आप डाल देना अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको विग्नेट चाहिए हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा गाइस आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस ऐसा करूंगा यार कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।